दोस्तों महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई से पहले उद्धव ठाकरे वर्सेस राहुल गांधी हो चुका है। ये 5 सीटें हैं जिसमें मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का पेच पूरी तरीके से फंस चुका है। ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के खिलाफ महाभारत कर रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री मोदी से कैसे लड़ेंगे, क्या हो गया है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कौन सी वो 5 सीटें हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ के बजाय दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पर उसके पहले आज पीएम मोदी कहां मौजूद थे, रैली ट्रैक कर आपको बता रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू में मौजूद थे। दोस्तों ये कंप्लीटली राष्ट्रवादियों की भूमि है, इससे जाटलैंड में भी फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खुल के गरजे, तो आज चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बाकी आगे बढ़ना चाहता हूं, बाकी लीडर्स की बात करें, ममता बैनर्जी अलीपुरद्वार में थी जहां पे रामनवमी पे इनने कहा कि 17 तारीख को रामनवमी पे दंगे हो सकते हैं, जो दंगा करेगा उसको सबक सिखाएंगी वो, इनडायरेक्टली हिंदुओं पर बड़ी बात कही ममता दीदी ने। क्या ये हिंदुओं की अस्मिता पर सवाल नहीं है? तीसरी बात, मुरादाबाद में केशव प्रसाद मौर्य थे। दोस्तों बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद के बाद सहारनपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले, बड़ा डेवलपमेंट है वो दोस्तों। तो मुरादाबाद में केशव प्रसाद मौर्य, बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के पॉपुलर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बागपत में मौजूद थे दोस्तों। और बागपत जहां पे जैन चौधरी और ये पूरा जाजी चौधरी सबका रहता था, वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर दोस्तों नितिन गडकरी गढ़चिरौली महाराष्ट्र में मौजूद थे, नागपुर से अप्रत्याशित रूप से जीतते आते हैं दोस्तों, और ये गढ़चिरौली में मौजूद थे। यहीं पे मैं बताना चाह रहा हूं, तो ये पूरा वर्धा है, पूरा गढ़चिरौली इलाका है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी बात यह कि सब लीडर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू में थे, और कांग्रेस के लीडर्स आज ज्यादा अपनी इंटरनल मीटिंग्स में देखे। पर आज की बड़ी बात, आज आपकी बड़ी रैली आप जान चुके हैं दोस्तों, पर इन बड़ी रैलीज में वो क्या बड़ी बात बोली जिससे 2024 की हवा के बारे में आप समझ सकते हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण को प्राथमिकता दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। अन्नपूर्णा पूजा आछे 15 तारीख, आमरा सबाई करी जे पारे। अन्नपूर्णा मा, अन्नपूर्णा मा तो दंगा करते बोलेनी। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে, আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়ব না। আমারি সেনা নে জব সার্জিক্যাল স্ট্রাইক অর এয়ার স্ট্রাইক কি, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। कोई लड़ ले, उनके जीजा लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा।
दोस्तों आज आपने देखा है कि बड़ी बड़ी रैलियों के बारे में आपको सुना है, पर आपको महाराष्ट्र की 5 सीटों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसे मैं ही बताऊंगा, क्योंकि चुनाव की असली पिक्चर यही पता चलती है 24 की सरकार में। तो दोस्तों ये कहां फंसा है पेच, भिवंडी की सीट है या कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, उद्धव ठाकरे जी दावा कर रहे हैं, एनसीपी भी दावा कर रही है, और तीनों साथ में चाय पीकर इसको सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। दोस्तों ये वो पेन है जिससे जो हम लोग एनालाइज कर देते हैं वो सच्चाई हो जाती है। दोस्तों उसके बाद मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट, अभी याद होगा आपको संजय निरुपम जो कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस को पूरी तरीके से बोला एक्सपोज करके यहां पे जो है शिफ्ट कर गए। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के क्लैंप पे भी आ सकते हैं। यहां पे भी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी में पेच फंसा हुआ है। मुंबई उत्तर पश्चिम के बाद तीसरी सीट भिवंडी की सीट बता चुका हूं। अब दोस्तों भिवंडी में वापस से बात करना चाहता हूं। भिवंडी इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये सीट समझी जा रही थी कि ये कांग्रेस पार्टी इस पे क्लेम नहीं करेगी, पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना दावा ठोका है। और इसका कारण तीनों पार्टी दावा इसीलिए ठोक रही कि तीनों को पता है कि तीनों जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट है दोस्तों, इस पे कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है, शिवसेना से अमोल कीर्तिकर जो है वो दावा ठोक रहे हैं, उद्धव सेना से एनसीपी ने अभी तक दावा नहीं ठोका है। अब दोस्तों ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इन 5 सीटों के कारण ये लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे। तीसरी सीट जो है वो है मुंबई दक्षिण मध्य की सीट। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहां दावा कर रही है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी, अनिल देसाई यहां पे दावा कर रहे हैं, और एनसीपी ने अभी तक दावा नहीं किया, तो यहां पे वापस से पेच फंसा हुआ है। मैं आपको याद बताऊंगा सांगली की सीट है दोस्तों, सांगली की सीट पे भी अगर आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से चंद्रार पाटिल जो है वो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है। सतारा की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शरद पवार के गढ़ की सीट कही जाती है, पर अभी तक शरद पवार ने यहां पे जो है दावा किया है, उद्धव सेना भी दावा कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रही है। पिछली बार यहां से एनसीपी लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब उद्धव ठाकरे उनके साथ अलायंस में थे तो शिवसेना लड़ी थी, और ये शरद पवार का यहां पे प्रभाव भी माना जाता है सतारा की सीट के ऊपर, पर तीनों दावा कर रहे हैं। सो बड़ी बात दोस्तों यही है कि मेन बात आपको समझने की जरूरत है, तीनों को पता है कि तीनों में से कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए सब अपने कुंबे को बचाने में लगे हैं। और इनमें दावा ज्यादा मजबूत किसका है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों ज्यादा दावा किसका मजबूत है यहां पे आपको एनालाइज करना होगा। जैसे मैंने आपको कहा था 14-19 में भिवंडी की सीट पे बीजेपी जो है वो आगे आई थी, 9 में कांग्रेस थी और कांग्रेस कह रही 9 में हम जीते थे, परंतु एनसीपी और शिवसेना उद्धव सेना इनको कह रही कि आप ही 14-19 में हारे थे, तो 9 को भूल जाइए, अभी ग्राउंड की स्थिति 14-19 जैसी है। मैंने जैसे आपको कहा था जब उद्धव सेना जो थी वो 14-19 के अंदर ये सीट जब बीजेपी के साथ अलायंस में थी तो जीती थी। कांग्रेस कांग्रेस पूरे अलायंस में कह रही है कि मुझे सीटें जो चाहिए वो 2009 के पैरामीटर के हिसाब से चाहिए, इसलिए मुंबई उत्तर पश्चिम में भी कांग्रेस दावा कर रही है। और दोस्तों जो अलायंस होते हैं जिसमें विचार साथ में नहीं होता उसमें यही दिक्कत आती है। मुंबई दक्षिण मध्य में भी जैसे मैंने आपको कहा था पिछली बार उद्धव सेना जो थी वो बीजेपी के साथ थी, उसको दोनों सीटें मिली थी और वो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ी थी, और इसीलिए अब कांग्रेस भी इसमें दावा कर रही है। सांगली की सीट बीजेपी 2004-19 में जीती थी और यहां पे अब बीजेपी की सीट पे दावा वापस से उद्धव सेना कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था सतारा एनसीपी का गढ़ है, 14 में भी एनसीपी जीती, 19 में भी एनसीपी जीती और 9 में भी जीती। तो गौर करने वाली बात यह कि सतारा जैसी सीट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनसीपी को चुनाव लड़ना चाहिए था, वहां पे भी तीनों में लड़ाई देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा कि 24 घंटे पहले ही संजय निरुपम जो राहुल गांधी के करीबी थे वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी अस्तित्व को नहीं बचा पा रही। पर संजय राउत ये 5 सीटों पे जो पेच फंसा है उस पर क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए महाराष्ट्र में सभी सीटें हैं 48, वो महाविकास आघाड़ी की है, किसी एक पार्टी की नहीं मानती, ये शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। शिवसेना का नजरिया स्पष्ट है, सभी सीटें हमको जीतनी है, चाहे कांग्रेस के पास हो चाहे एनसीपी के पास हो। सांगली शिवसेना के पास है, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जैसे कि अब रामटेक है शिवसेना का परंपरागत गढ़ रहा, वो कांग्रेस के पास चली गई सीट, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ नाराज हो गए। हमने उनको समझाया कि आघाड़ी की राजनीति में ये होता है, अमरावती, कोल्हापुर ये हमारी सीटें थी। फिर भी हमने कार्यकर्ताओं को समझाया है अगर सांगली में कांग्रेस के कुछ लोग नाराज है तो उनको मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है, और मैं जब जाऊँगा तो सबसे बात करूँगा, सबसे मिलूँगा, सबके साथ बैठक करूँगा, और सांगली की सीट भी हम
महाविकास आघाड़ी की तरफ से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज से आप क्लियरली यही समझ सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, इनफैक्ट नथिंग इज वेल। वो कह रहे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को समझाए, हम भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाए, मतलब ग्राउंड पे इनके कार्यकर्ता साथ में नहीं है। और दोस्तों, अगर सतारा जैसी सीट जो एनसीपी ने 2014 में जीती, 19 में जीती, 9 में जीती, अगर उस पे भी बाकी की अलायंस के पार्टी जो है वो दावा ठोकरी से समझ सकते कि महाविकास आघाड़ी के अंदर गठबंधन नेताओं का हो रहा है पर कार्यकर्ताओं का नहीं हो रहा, इसीलिए महाराष्ट्र में अभी तक ये सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। मैं आपको अपने इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं। अब आपके पास दूसरी बड़ी बात मैं आना चाहता हूं दोस्तों, बात करूंगा जीजा जी की। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा जी जो है वो 2024 में मैदान में उतरने के लिए उत्सुक है। वो कह रहे हैं कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, अभी तक कांग्रेस ने फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस दोस्तों अमेठी की जो सीट है उसके बारे में 13 लिस्ट के होने के बावजूद, 235 उम्मीदवार डिक्लेयर करने के बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है वो अमेठी की सीट को डिक्लेयर नहीं कर पाई है। दोस्तों कांग्रेस ने अभी तक 13 लिस्ट जारी कर दी है। इन 13 लिस्ट में 235 उम्मीदवारों का नाम उन्होंने डिक्लेयर किया पर ना अमेठी ना रायबरेली। याद रखिए, रायबरेली से सोनिया गांधी मूव कर चुकी राज्यसभा। इन दोनों पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, सस्पेंस क्यों बरकरार है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। 2019 में यूपी में सिर्फ इकलौती ऐसी सीट थी रायबरेली जो कांग्रेस ने जीती थी, पर ये पूरी पिक्चर नहीं है। ये रायबरेली की सीट में 2009 से लेके 19 में कांग्रेस का वोट शेयर कम होते जा रहा है। अमेठी और रायबरेली छोड़ने का संदेश कांग्रेस ने जो है वो पहले ही दे दिया था 2019 में, अब वो रायबरेली भी शायद से छोड़ सकता है गांधी परिवार। दोस्तों, अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा और रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ाने की बात हो रही, तो क्या गांधी परिवार से वाड्रा परिवार जो है कांग्रेस की नींव को बचाने की कोशिश करेगा, ये देखना होगा। पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 और 19 के डेटा को स्टडी करिए। 2014 में दोस्तों अमेठी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था वो कम हुआ था 9 से, फिर 14 से 19 में और कम हुआ और कांग्रेस अमेठी की सीट हार गई। रायबरेली में 2009 में कांग्रेस का 70% तक वोट शेयर आया था जो घट के 2014 के अंदर 60-62 की तरफ हो गया और 2019 में 52 हो गया। और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डर यही था कि ऐसा ना हो 50 से नीचे चले जाए, तभी सोनिया गांधी जी शायद राज्यसभा चली गई, ऐसा कई एनालिस्ट बोलते हैं। मैं आपको दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दो तस्वीरों को, ये देखिए, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हैं, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा जो है वो पुरानी उनकी तस्वीर है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोश जोश में कहा था कि मुरादाबाद से रॉबर्ट वाड्रा लड़ना चाहिए चुनाव। मुरादाबाद वही सीट है जहां पे 30% से ज्यादा मुस्लिम आते हैं और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से सोनिया गांधी ना राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको पता है कि स्मृति ईरानी का जमीनी अस्तित्व बहुत स्ट्रांग है। सुनिए रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी मैं प्रियंका की क्या सोच है या गांधी और बाकी लोगों की क्या सोच है उसके बारे में मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो उनकी सोच है, वो अमेठी को रिप्रेजेंट करें या देश के किसी और कोने को रिप्रेजेंट करें, वो क्योंकि मांग और पुकार गांधी परिवार या मेरे लिए हर जगह से आ रही है और अभी कुछ ऐसा डिसीजन लिया नहीं है। हम लोग बात करते रहते हैं पर हम जो भी आदमी वहां रहेगा या महिला रहेंगी, हमें पता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी उनको जरूर मदद करेंगे कि अमेठी में प्रगति बनी रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि प्रियंका गांधी वाड्रा का मन क्या है और वो खुद जो है ओपनली मीडिया में आके बाइट दे रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा आपकी धर्मपत्नी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको नहीं पता कि वो लड़ना चाहती है लड़ना चाहती। मतलब फैक्ट ये है दोस्तों कि रॉबर्ट वाड्रा मैदान में तभी आ रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ना अमेठी से मैदान में आना चाहती ना रायबरेली से मैदान में आना चाहती, तभी जाके रॉबर्ट वाड्रा को मैदान में डाला गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वोट शेयर समझिए 2009 से क्या है अमेठी के अंदर। कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए अमेठी में दोस्तों, 2009 में 72% वोट शेयर था कांग्रेस का अमेठी में, ये घट के 2014 में 47% हो गया और 19 में 44 हो गया। और यहां पे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को
बुरी तरीके से हराया था और यहाँ पे स्मृति ईरानी जो जीती थी, नरेंद्र मोदी जी की हवा है देश के अंदर 2014 और 19 में, और शायद इसीलिए जो परंपरागत कांग्रेस पार्टी की सीट थी जो 13 बार आजादी के बाद जीती, वहां 30% तक का वोट शेयर कम हो गया। अब यही कांग्रेस पार्टी आकलन नहीं कर पा रही कि क्या 44% है, इससे और नीचे गिरेगा, और अगर इससे और नीचे गिरेगा तो दूसरी बार अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो अगर लड़ेगा और उसके बावजूद अगर वो हार जाएगा अमेठी से, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। तो दोस्तों, अगर वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि लोकसभा में इसमें इनका आकलन क्या है। ये सोच रहे हैं कि भाई ये गांधी परिवार के सदस्य तो इनको वोट मिल जाएंगे, पर 2019 में इनकी सदस्य हारे थे। इनको नुकसान सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे परिवारवाद का आरोप लगता था और ये वापस से खुलेआम कह रहे हैं कि हम परिवारवादी हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। फायदा कि कांग्रेस की फाइनली 13 लिस्ट के बाद तलाश पूरी होगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा मैदान में आएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड। पर नुकसान दोस्तों यह है कि इन पे भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप है कि कभी भी इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। फायदा दोस्तों यह है कि इनको लग रहा है कि अमेठी से जुड़ जाएंगे, और ये अमेठी से ऐसा इनको लगता है कि अमेठी से इनका एक परंपरागत वोट है, पर ये भूल गए शायद से कि स्मृति ईरानी ने काफी ज्यादा काम किया है, और स्मृति ईरानी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से और ज्यादा जो वो हमले करते हैं रॉबर्ट वाड्रा पे, गांधी वाड्रा परिवार पे, वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बात आप समझ चुके हैं कि शायद कांग्रेस वीक फुटिंग पे है अमेठी और रायबरेली में, इसीलिए पिछले 2 महीने की मीडिया रिपोर्ट्स को एनालाइज कर दीजिए, हर दिन नया नाम प्लांट हो रहा है, उसके बावजूद 13 लिस्ट के बावजूद डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मेरा आपके इलेक्शन प्रोफेसर का फाइनल एनालिसिस क्या है दोस्तों? मेरा एनालिसिस यही है कि अमेठी में जीजाजी आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका हष्ट राहुल जैसा होने वाला है अमेठी में? ग्राउंड पे स्थिति दोस्तों शायद अमेठी की यही है कि यहाँ पे स्थिति जो है वो कांग्रेस की कमजोर दिख रही, क्योंकि अगर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती तो सोनिया गांधी जी रायबरेली के बजाय राज्यसभा नहीं जाती, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी अभी तक अमेठी और रायबरेली मैदान में उतर जाते। भूलिए मत, बनारस में भी इस तरीके की बात की गई थी 2019 में कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में आएंगी, एंड में नई चुनाव लड़ पाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा इतनी तेज थी कि सब उसमें बह गए दोस्तों। और अब होमवर्क तो दूंगा दोस्तों आपको, बहुत इजी होमवर्क है, इतना आसान होमवर्क है कि 2019 चुनाव में अमेठी सीट पर कौन हारा, इतना इजी है। आपके मुझे पता है कि आप में से 10 लोगों को इसका जवाब पता होगा, तो जल्दी से आप 24 की सरकार के हैशटैग पे रिप्लाई कर दीजिए 8588085811 पे। जो इसमें ये नहीं कहूंगा कि किसको सही जवाब पता है, मैं इसमें कहूंगा जो जल्दी जवाब का रिस्पांस देगा उसको हम हमारी तरफ से कोई ना कोई उपहार जरूर देंगे। मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी आपके साथ हर रात 10 बजे जुड़ता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। 2024 का इलेक्शन मतलब जी न्यूज, आपका शो 24 की सरकार। नमस्कार। News.